असद सुल्तान के पास आती है और बड़े गु़स्से में आकर उसको कहती है कि आपने घर वालों को भी अपने घर वालों को भी मेरे खिलाफ़ इस इससे भड़का दी है कि वो सब मुझे ही गलत कह रहे हैं और आपको कोई गलत नहीं कह रहा आपकी कोई बात जानते हुए भी लोग अनजान बन रहे हैं जिसको सुनकर वो कहता है कि जो गलत होगा उसी को गलत कहेंगे इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि तुम ही गलत हो और जो कुछ तुम कर रही हो सिर्फ और सिर्फ गलत ही कर रही हो अगर से आप देखेंगे किस तरह कहती है कि नहीं इतनी बच्ची तो मैं भी नहीं हूँ आपके साथ कह रहा है कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और जो कुछ मैं कह रही हूं बिल्कुल हकीकत है इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है आगे से आप देखेंगे कि सुल्तान काफी हैरान होता है कि इसको भी इतने पर लग चुके हैं और इतनी जुबान इसकी खुल चुकी है और उसको कह देता है कि अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना ऐसा ना हो कि तुम्हें मैं इस घर में रुखत कर दूँ इस घर से रुखसत कर दूँ जिसको सुनकर वो परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे इन सब बातों से कोई डर नहीं लगता है मैं अब बिल्कुल खुश हूँ अपनी जिंदगी में इसलिए मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ और मुझे किसी बात का कोई भी खौफ नहीं